शॉर्टकट ऑप्शन वगैरह वो ऑप्शन अपने को यहां इस पट्टी के अंदर दिखाई देने लगेंगे, जैसे कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में क्लिक किया तो यहां पे दिखाई देंगे। फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल के ऑप्शन अपने को दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाओ, यहां पे छोटा सा बटन होगा, इसको अपने बोलेंगे व्यू रूलर बार। व्यू रूलर बार, अब रूलर बार किसे बोलते हैं, एक ये और एक ये, इनको क्या बोला जाता है, रूलर बार। रूलर बार नाम क्या है फिर बता आपको, पेज के साइज को मापने के लिए, जैसे आपको मान लिया जाए एक पेज की साइज को आपको मापना है, तो पेज की साइज को आप कैसे मापते हैं, रूलर बार से नहीं मापते, पेज की साइज को आप कैसे मापते हैं, कि मेरे लेफ्ट साइड माप ली, राइट साइड ली, राइट साइड ली, डाउन साइड, कैसे मापते पेज की साइज को, दो कैसे मापते, दो साइड मापने से पूरा काम हो जाता है, तो इसी के हो गया ना। उसके यहां अपने क्या करनी है, चौड़ाई सेट करनी, चौड़ाई सेट करते हैं हमारे लोग, ये होता है स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं, पेज बहुत ज्यादा बड़ा हो उसको ऊपर नीचे करना हो तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि पेज की क्या चौड़ाई ज्यादा है तो यहां पे एक स्क्रॉल बार और आ जाता है, उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे करने के लिए, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का मतलब लेफ्ट से राइट करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे एक बटन आएगा नीचे नीचे, जूम, जूम लेवल सेट करने के लिए, ठीक है। इस बटन को बोलते हैं जूम लेवल सेट करने के लिए, जूम लेवल पेज को ज्यादा जूम कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा कट जूम करना, जूम लेवल बटन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, पेज को जूम एंड जूम दोनों कर सकते हैं। फिर जो चार बटन यहाँ पे आपको ये चार बटन दिखा देते हैं, इनको अपने बोलते हैं व्यू बटन, व्यू बटन, ठीक है। इनको अपने बोलते हैं व्यू बटन, और ये जो आपका व्हाइट पेज है, जो ये व्हाइट पेज है वो खाली दिखाई देता है, उसको अपने बोलते हैं वर्क एरिया। इसको अपने क्या बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं, समझ में आ गया। अब इनको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में, क्विक एक्सेल बार, इसको क्या बोलते हैं टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, और ये छोटा सा बटन है इसको क्या बोलते हैं, व्यू रूलर बार। रूलर बार किसे बोलते हैं, इनको रूलर बार बोलते हैं, और ये जो बटन है इसको इसके द्वारा इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे काम करने के लिए। यदि पेज की चौड़ाई आपने जूम प्लस करके पेज को साइज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो लेफ्ट से राइट हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, तो लेफ्ट से राइट हिस्सा दिखाई देने के लिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार और आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वो लेफ्ट से राइट करने के लिए। और ये पेज को जूम एंड जूम करने के लिए ये व्यूज बटन है। व्यूज बटन का मतलब पेज का जो व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू में देखना, वेब लेआउट व्यू में देखना, कौन से व्यू के अंदर देखना, वो इस बटन के द्वारा अपने इनको देख सकते हैं, शॉर्टकट बटन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने को वर्ड कितने वर्ड इस पेज के अंदर टाइप कर रखे हैं, कितने पेज का आपने यूज लिया वो यहाँ पे दिखाई देगा। और जो ये व्हाइट कलर का पार्टीशन होगा इसको अपने क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। समझ में आ गई ये चीज, अब ये चीज उतारो, इसके बाद में आपको शॉर्टकट भी लिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ में हो कंट्रोल के साथ में जैसे अपने वो दबाएंगे तो जितनी फाइलें आपने सेव की थी उनकी लिस्ट क्या होगी अपने सामने ओपन हो जाएगी। उसमें से जो भी आपकी फाइल का नाम था उसको नाम सर्च करके आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब सेव कर ली, ओपन भी कर ली, अब ओपन फाइल को क्लोज करना तो उसकी भी शॉर्टकट की होनी चाहिए ना, तो क्लोज करने की कंट्रोल जी इसकी बना दो, फिर कॉपी किसकी बनाओगी, इसकी होगी CTRL प्लस W से भी अपने क्लोज कर सकते हैं। अब कोई फाइल ओपन है उसको CTRL W कंट्रोल के साथ में आप W दबाओगे तो क्या होगा, वो फाइल क्लोज हो जाएगी, MS वर्ड ओपन क्लोज नहीं होगा। यदि आपको क्या करना है फाइल के साथ में MS वर्ड को भी क्लोज करना है एक साथ में, तो आपको मैंने एक पहले शॉर्टकट की बताई थी Alt के साथ में, क्या बताई थी, F4। यदि अपने Alt के साथ में F4 की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, MS वर्ड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओनली फॉर आपको क्या करनी, फाइल क्लोज करनी, तो फिर क्या दबाएंगे अपने कंट्रोल के साथ W। यदि फाइल को आपको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ में S, क्लोज करना है तो, अब यदि फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल W, और पूरी की पूरी वर्ड को क्लोज करना है तो फिर, ठीक है। और फाइल सेव कर ली, क्लोज कर ली, वापस रीओपन करना है तो, ठीक है। अब उसके बाद में आगे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का। अब कोई भी फाइल है, कोई भी पेज है, ठीक है, चाहे एक्सेल का, वर्ड का, चाहे इंटरनेट के अंदर किसी भी चीज का पेज है, सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है अपने को किसकी, प्रिंट की। अपने किसी भी पेज का प्रिंट निकालना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है।
पी जैसे आप प्रिंट वाले साथ में पी प्रेस करते हैं उसका प्रिंट फॉर्मेट का जो ऑप्शन होता है वो एफ सी गुजरता है जिसके द्वारा आप किसी भी पेज का प्रिंट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब एक और सेव एज, अभी इसमें एक ऑप्शन सेव एज, अभी सेव एज क्या होता है, सेव का मतलब क्या होता है, फाइल को सेव करना, सेव एज, सेव का मतलब सेव, एज मतलब वो वैसी की वैसी। अब मैंने कोई फाइल बना रखी है जैसे मान लो मार्कशीट होती है, हमने मार्कशीट होती है, मार्कशीट के अंदर डायग्राम सभी का अलग अलग होता है या सेम ही डायग्राम होता है, मतलब दिखने का दो तरीका होता है, एक ही होता है। अब जैसे अपने डायग्राम बनाते हैं सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, डायग्राम बनाने में। अब कोई डायग्राम बनाए उसमें आपको दो दिन लगे, एक बच्चे के लिए डायग्राम बनाए उसमें कितने दिन लगे, दो दिन लगे। अब वो सेम टू सेम वही डायग्राम 2,00,000 बच्चों के लिए बनाना आपने तो फिर कितने दिन लग जाएंगे, दो साल, दो ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए डायग्राम बना लिया आपने उसको सेव एज कर लो, सेव एज मतलब वैसी की वैसी फाइल एक और सेव हो जाएगी दूसरे नाम से दूसरे स्थान पे अपने सेव कर सकते, सेम टू सेम वैसी की वैसी फाइल जो पहले सेव हो तो सेव पड़ी रहेगी, वैसी वैसी डुप्लीकेट फाइल और मार के सेव हो जाएगी, अपने उसको दोबारा दूसरे बच्चे के लिए यूज ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा, फंक्शन की के अंदर होता है ना ये, खाली एक बार दबाना, कंट्रोल अल्ट वगैरह कुछ भी नहीं दबाना, खाली आप एक बार दबाओगे उससे क्या हो जाएगा आपके सेव हो जाएगी, सेव की भी फाइल दोबारा से सेव हो जाएगी, वैसी की वैसी दूसरी फाइल और सेव हो जाएगी। सेव बोलना सेव आपकी इच्छा पे डिपेंड है, तो आप कौन से फोल्डर दोबारा से नहीं बनता, जैसे आप फाइल को सेव करते हैं आपको उसको कहां सेव करना है, बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जाता है, आपको कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है, कहां सेव करना है, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस अपने उसके अकॉर्डिंग अपने उस फाइल को वहां पे अलग नाम से सेव कर सकते हैं, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये काम करो, आप ये सॉफ्टवेयर की उतार लो, दूसरी और निकाल लो आपको।